दिवाली से पहले मिलेगा कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन व पेंशन। हिमाचल प्रदेश में निगमों व बोर्डों के कर्मचारियों व पेंशनरों को दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को वेतन व पेंशन मिलेगी। इससे संबंधित आदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किए हैं। इस निर्णय से बोर्डों और निगमों के लगभग 50,000 कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। मंगलवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की तथा इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता जारी करने का भी निर्णय लिया है। इस वृद्धि का हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के तहत लंबित बकाया राशि भी जारी की जाएगी। हिमाचल में स्क्रब टाइफस का कहर, आईजीएमसी शिमला में 2 मरीजों की मौत। आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से 2 मरीजों की मौत हो गई है। दोनों मंडी और कुल्लू की रहने वाली थी। एक की उम्र 17 और दूसरे की 25 साल थी। दोनों को कुछ दिन पहले ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मंगलवार को तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने स्क्रब टाइफस से 2 मरीजों की मौत की पुष्टि की है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से जान गंवाने वालों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले मंडी और शिमला के पंथाघाटी के रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। चिकित्सकों के मुताबिक तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न या शरीर टूटना, गर्दन में संक्रमण और बाजू के नीचे गिल्टियां आना स्क्रब टाइफस के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण नजर आने पर तुरंत अस्पताल आना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए शरीर में सफाई का ध्यान रखें। घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें। घर के चारों ओर घास खरपतवार नहीं उगने दें। 3500 किलोमीटर नई सड़कों को केंद्र की मंजूरी, सड़क से जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के 300 गांव। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत हिमाचल प्रदेश में 3500 किलोमीटर नई सड़कें बनाने को मंजूरी दे दी है। नई सड़कें बनने से प्रदेश के करीब 300 गांव सड़क सुविधा से जुड़ सकेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 100 से 300 की आबादी वाले गांवों को सड़कों की सौगात मिलेगी। केंद्र सरकार ने PMGSY चरण 1 के तहत बनी 800 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने की भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th चरण को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में प्रदेश को यह सौगात मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि विभाग के अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के संपर्क में थे। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के जनजातीय इलाकों पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी बड़े पैमाने पर उन सड़कों को पक्का करने का काम भी शुरू हो जाएगा जो अभी तक कच्ची हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान PMGSY के 4th चरण का ऐलान किया था और अब इसके बाद इस प्रोजेक्ट की गाइडलाइन तय की गई थी। HRTC बस के नीचे आने से 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत, ऐसे पेश आया हादसा, जांच में जुटी पुलिस। व्यापारी कस्बा जसूर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के टायर के नीचे आने से 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर पंजाब निवासी निहारिका पुत्री निहाल जसूर सब्जी मंडी के पीछे खेल रही थी। पास में ही HRTC वर्कशॉप भी है जहां हिमाचल परिवहन की बस को बैक करते समय पीछे खेल रही बच्ची बस के पिछले टायर के नीचे आ गई जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर DSP विशाल वर्मा ने बताया कि बच्चे के परिजन सब्जी मंडी और HRTC वर्कशॉप के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ढोलक बनाने और बेचने का काम करते हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने निगम के बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरम्भ कर दी है। नरसिंह भगवान के जलेब देखने उमड़े हजारों लोग, वाद्य यंत्रों की थाप पर देवताओं के संग झूमे देवलू। देव महाकुंभ कुल्लू दशहरा में मंगलवार को लाव लश्कर के साथ नरसिंह भगवान की दूसरी जलेब निकली। भव्य जलेब को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा की चाननी से पूरे ढालपुर मैदान की परिक्रमा के बाद जलेब राजा की चाननी के पास ही समाप्त हुई। जलेब में कुल 6 देवताओं ने शोभा बढ़ाई। जलेब में ढोल नगाड़ों की स्वर लहरियों के बीच देवताओं के साथ देवलू भी झूमे। शाम करीब 4:30 पर जलेब शुरू हुई। सबसे आगे नरसिंह भगवान की घोड़ी सज धज कर चली। इसके बाद बजंतरी और देवलू चले। 6 देवताओं के बीच में भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह की पालकी चली। पालकी के दोनों तरफ देवता चले। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने जलेब के भव्य नजारे को कैमरे में कैद किया।
20 तक करेंगे इंतजार, उम्मीद है वह खुद गिरा देंगे अवैध निर्माण, देवभूमि संघर्ष समिति ने दी प्रतिक्रिया। जेल रोड स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण गिराने के मामले में स्टे ऑर्डर मिलने के बाद देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रतिक्रिया दी है। समिति के राज्य सदस्य घनश्याम ने कहा कि मामले की अगली तारीख 20 अक्टूबर है, उस दिन तक समिति इंतजार करेगी। उन्होंने मांग उठाई कि TCP कोर्ट में उन्हें बुलाया जाए जिससे वे अपना पक्ष रख सकें। दावा किया कि समिति के पास तथ्य और कागज हैं जिनके तहत मंडी नगर निगम ने फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि 20 को जो भी फैसला आए उसका स्वागत करेंगे, फैसला हक में न आने पर हाईकोर्ट जाने पर समिति विचार कर रही है। अवैध निर्माण गिराने के लिए पहले उक्त समुदाय के लोगों ने आश्वासन दिया था, ऐसे में उम्मीद है कि वह लोग अपनी उस बात पर कायम रहते हुए उसे खुद गिरा देंगे। 20 को फैसले के बाद उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, अगर आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए हम तैयार हैं। उधर नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने बताया कि फैसले की कॉपी उन्हें मिल चुकी है, आगामी आदेशों तक निगम कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल, ग्रेट खली और मंत्री अनिरुद्ध बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। राजधानी से सटे रियासतकालीन शहर जुन्गा घाटी की टिक्कर साइट पर पायलट पैराग्लाइडिंग में चुनौती पेश करेंगे हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। बुधवार सुबह 11 बजे शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। आयोजनकर्ता और द ग्लाइड इनके प्रबंधक निदेशक अरुण रावत ने बताया कि फ्लाइंग फेस्टिवल में देश और विदेशों से आए 50 से अधिक पायलट भाग लेंगे, इसमें वेस्ट बंगाल से एक महिला पायलट भी शामिल है। पायलट सोलो और टीम श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उधर पायलटों ने मंगलवार को भी जुन्गा स्थित टिक्कर साइट में पैराग्लाइडिंग का अभ्यास किया। उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 9 वर्षीय नाबालिगा से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस थाना रामपुर के तहत नाबालिगा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, आरोपी मौके से फरार हो गया है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस थाना रामपुर में दर्ज शिकायत में बताया कि 12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे जब अपने किराए के कमरे में था तो सेब के बगीचे से बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पत्नी के साथ सेब के बगीचे में स्थित क्वार्टर की ओर गए तो बच्चे के चीखने की आवाज़ आई, वहीं पड़ोसियों को देख आरोपी मौके से फरार हो गया। नेपाली मूल के शिकायतकर्ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। DSP रामपुर नरेश शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि नाबालिगा से दुराचार कर आरोपी मौके से फरार हो गया है, आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। अजोली टोल नाके पर हुए सड़क हादसे का CCTV फुटेज आया सामने, इस वजह से कैबिन में घुसी कार। नंगल से संतोषगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अजोली गांव में लगे टोल नाके पर सोमवार हुए सड़क हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे में कार की टक्कर से 2 टोल कर्मियों की मौत हो गई, एक टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। चंडीगढ़ PGI में घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोनी कपिल की दोनों टांगे व एक बाजू टूट गई है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि स्कूटर सवार जैसे ही अजोली गांव की ओर से टोल नाका पार करते हुए सनौली की ओर जाने लगा, सामने से आ रही कार स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई। कार अनियंत्रित होकर टोल नाके पर बने केबिन में जा घुसी, जिस दौरान टोल नाके कर्मचारी उस समय खाना खा रहे थे। हादसा इतना भयंकर रहा कि खाना खा रहे एक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रशासन की ओर से हादसे में मारे गए दोनों मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है, जबकि घायल हुए व्यक्ति के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। सहायता राशि SDM ऊना विश्वदेव मोहन चौहान ने प्रदान की। सिर्फ दोपहर का खाना ही बनाएंगे मिड डे मील कर्मी, एक्स्ट्रा वर्क लिया तो होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन बनाने वाले मिड डे मील कर्मियों से स्कूलों में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वर्क नहीं लिया जाएगा। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल स्कूलों में काम करने वाले मिड डे मील कर्मियों ने शिक्षा विभाग को शिकायत दी थी कि मिड डे मील कर्मियों से शिक्षक दोपहर का खाना बनाने के अलावा दूसरे गैर जरूरी काम भी करवा रहे हैं। ऐसे में अब यह सख्त हिदायत दी गई है। इसमें शिकायतें सामने आई हैं कि स्टाफ उनसे लंच बॉक्स साफ करवाना, स्कूल कैंपस में घास कटवाना सहित स्कूलों में होने वाले फंक्शन और पार्टी के लिए खाना बनवाने का काम करवा रहे हैं। ऐसे में सभी जिलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि मिड डे मील कर्मी स्कूलों में केवल बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाएंगे
उसके अलावा कोई भी गैर शिक्षण कार्य लेने की सख्त मनाही है। एसएमसी शिक्षकों को झटका, 2800 पदों में नहीं मिलेगा एलडीआर कोटा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से भरे जाने वाले शिक्षकों के 2800 पदों में एसएमसी शिक्षकों को एलडीआर कोटा नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले से स्कूलों में कार्यरत 2400 से ज्यादा एसएमसी शिक्षकों को झटका लगा है। शिक्षकों को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में होने वाली इस भर्ती में सरकार उन्हें मौका देगी। इस भर्ती में उन्हें 5% कोटा दिया जाएगा, लेकिन इस बार इन शिक्षकों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इसके बाद होने वाली सीधी भर्ती में सरकार इन शिक्षकों को एलडीआर कोटा देगी। ऐसे में एसएमसी शिक्षकों को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डीएचपी न्यूज चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।